ओम साई राम, राधे राधे फ्रेंड्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और ऐसे ही अच्छे बने रहो, स्वस्थ बने रहो। बस भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा खुश रहें और जो भी प्रॉब्लम हो सारी सॉल्व हो जाएं। और ये बताइए कि वीडियोस कैसी लग रही है तो कमेंट में लिखते भी जाइए, ठीक है। और आज का लेसन जो है बहुत ही कमाल का है। अब क्या है कि काफ़ी लोगों ने ढोलक सीख ली है, ठीक है। अब उनको लगता है कि भजन को मज़ेदार बजाने के लिए थपा कैसे लगाएं। तो आपका स्टार्टिंग है, आपने ढोलक सीख लिया और आप चाहो ऐसे से एकदम से बजाओ तो मानते हैं कि प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लीजिए, एकदम से हाथ जब चलेंगे, जब तक आपके हाथ सेट ना हो जाएं। तो अब आपको लग रहा है कि कहीं पर आप बहुत अच्छा भजन गाना चाह रही हो ढोलक पर तो फीका पड़ रहा है, और आप बिगनर्स थे, आपने ढोलक ही सीख पाई है और आप एकदम से लग रहा है कि मैं कोई भी भजन जब गाऊं ढोलक पर तो बेस्ट लगे, कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए, ऐसी थपाक मिल जाए कि ऐसे हाथ ना फैला करके मैं थपाक लगा लूं। तो बिना हाथ फैलाए कौन सी थपाक लगती है? ये आइडिया सिर्फ टैलेंटेड प्रियंका चैनल पर ही मिल सकती है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जिस पे ऑल लिखा है तो ऑल पे प्रेस करिए, जैसे कि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो स्किप मत करिए, क्योंकि स्किप आप करेंगे तो मेन पार्ट तो आपका छूट ही जाएगा। बहुत बेस्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छे से जो भी डिब्बा है कुछ भी लेकर आप बैठिए, यहाँ पर बजाइए, मैं आपको बताती जा रही हूँ। देखो ढोलक मैंने काफ़ी तरीके से सिखाई हैं, अगर आपको जैसे चाहें वैसे सीखना है चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर लीजिए, एक बार चैनल पे विज़िट ज़रूर करिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाली तर्ज बताई है, जैसे कि अब आप ये सोच रहे होगे कि वाह यार क्या ये हाथ फैला कितने अच्छे से बजाते हैं। टेंशन ना लो, अगर आप ये बजा के आप भजन पूरा ना कर पा रहे हो तो मेरे पास दूसरी ट्रिक है, मैं वही बताने के लिए आई हूँ, ठीक है। अब ये सुनना और अब जो मैं बताने वाली हूँ वो देखना कि कितने अच्छे से आपको सेट हो जाएगा हाथ। तो अभी आपको क्या करना, सबसे पहले मैं ढोलक बताऊँ कि जब आप कोई भी भजन गा रहे हो तो ढोलक आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। उठान बताइए, उठान लगानी है, फिर ढोलक बजानी है, फिर थपाक लगानी है। उठान के लिए आप चैनल पे चेक करिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहले मैं ढोलक बजा रही हूँ, ठीक है। ये आपकी ढोलक चल रही है, देखा ना इस हाथ से जो मैंने बजाया कितना प्यारा लगा। और आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि जब मैं या कोई भी ढोलक बजाते हैं तो जो मोबाइल से आप लोग जब देखते हो ना तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं लगती, साउंड इतना अच्छा नहीं लगेगा। एक बार आप हेडफोन लगा के ढोलक की वीडियोज़ को देखिए, फिर आप कहोगे कि यार यार ये तो धुन बहुत ही अच्छी है। इस तर्ज की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है ढोलक की, आप डायरेक्टली ऐसे देखोगे ना फ़ोन से, वो आपके कानों तक वो साउंड नहीं पहुँचेगा जो रियल साउंड है। क्योंकि जो ये अब आपको लग रहा है कि जो ढोलक होती है ना जो सामने हम लोग सुनते हैं वो साउंड अलग आता है और मोबाइल में अलग आता है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, रियल साउंड आप तक नहीं पहुँचता है। रियल साउंड अगर आपको सुनना है तो आप एक बार हेडफोन या लीड भी जो भी आप यूज़ करते हो वो लगा कर सुनिए, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये बेस्ट ढोलक मुझे पकड़नी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता दूं आपको सबसे मैजिक वाली ट्रिक। आपको सिर्फ क्या करना है, एक दो, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, बस। बहुत जल्दी बता दिया ना, निकल गया ना ऊपर से, जल्दी नहीं बताया मैंने, बजा कर बताया। अब मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, एक दो, एक दो, ठीक है। कितने बार किया, एक दो, एक दो, आपको काउंटिंग ही बोलकर सीखना है, फिर बाद में सेट करना है भजन पे। और आप पेंसिल से लिखो जरूर, नोटबुक पे नोट बनाया करो, जब भी आप वीडियो सीख रहे हो बनाओ जरूर, ठीक है। क्या करना है, एक दो तीन, इतनी ही लाइन को दो बार रिपीट करना है, एक दो तीन, दो बार हो गई, फिर से देखो। अब मैं बोलूँगी नहीं,
इस टाइप से दो बार किया मैंने। अब जब हम थपाक का काम करा रहे हैं इसको, तो कैसे हमें स्पीड में लाना है वो ज़रूरी है। पहले सिलो बताऊंगी, फिर आप खुद देखना कि मैंने कहां पर स्पीड बढ़ाई। एक दो तीन, इसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले सोलो प्रैक्टिस करिए, एक दो तीन। अब स्पीड देखिए, ठीक है, सिलो तो आ गया। एक दो तीन, लास्ट में धप करके रोक दो, फिर अपना ढोलक बजाने लगो। अब देखो, साथ साथ बजाऊंगी, फिर आप देखना। ये वाली ढोलक रिक्वेस्ट है, हेडफोन लगा के जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अब मैं इस पे आपको भजन गा के बता रही हूँ कि कैसे बीच में हम थपाक लगा के यूज़ करते हैं, कितना अच्छा लगता है। ठीक है, मंदिर से थोड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से थोड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकारे, कोई मन से पुकारे, दिल से पुकारे, कोई मन से पुकारे, मंदिर से थोड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, मंदिर से थोड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। पहला संदेश मेरे राम का आया, पहला संदेश मेरे राम का आया, राम का आया, धनुष वाले का आया, राम का आया, धनुष वाले आया, सीता का रूप धरे आऊंगी, मन से पुकारे, सीता का रूप धरे आऊंगी, कोई मन से पुकारे। ठीक है, कैसी लगी, मज़ा आया? कहाँ पर मैंने किया था? राम जी का आया, धनुष वाले का आया। ठीक है, फिर से सुनो, राम जी का आया, धनुष वाले का आया, राम जी का आया, धनुष वाले का आया, सीता का रूप धरे आऊंगी, कोई दिल से पुकारे, सीता का रूप धरे आऊंगी, कोई मन से पुकारे। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और 100% श्योर हूँ कि ये आपको धुन बहुत अच्छी लगी होगी। इस पे देखो, मैंने सिंपल उंगली ही चलाई सिर्फ इस पे, और आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने काउंटिंग बताई थी, एक दो तीन, फिर से एक दो तीन, यानी कि दो बार लाइन रिपीट करनी थी। तो ये कोई फिक्स नहीं है, मैं आपको इसलिए बता दे रही हूँ कि आप जिसमें कम्फर्ट हो, चाहे दो बार कर लो चाहे तीन बार कर लो, क्योंकि जैसे ले आप अच्छे से खींच रहे हो भजन को, तो दो बार कम भी पड़ सकता है, तो आप एक बार और ही बढ़ा दो, बढ़ा के फिर ये धपाक मार के और तुरंत ही ये चालू कर दो, तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट मुझे सबसे पहले आप लोग ज़रूर लिख दीजिए कि ये थपाक आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है, और आप चैनल पे आए हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।